मुद्दा यही था जो आज जयपुर में इकट्ठे हुए। पहले तो मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कम से कम 500-600 किलोमीटर दूर से, 200-400 किलोमीटर दूर से चला करके यहाँ जयपुर में इकट्ठे हुए। उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जयपुर के जो भी स्टूडेंट थे यहाँ पे आए, जिन्होंने सहयोग किया, जिन्होंने एकजुट होकर इस बात को अपने जो मंत्री जी है, रजिस्ट्रार सर है, उनके सामने रखा, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो भाई नहीं आए और जिन्होंने सपोर्ट किया बाहर से, सोशल मीडिया के थ्रू करो चाहे अपने पर्सनली थ्रू करो, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो भाई नहीं आए उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उनको कुछ नहीं कहूँगा, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आगे कहीं ऐसा प्रोग्राम हो तो प्लीज़ ज़रूर आएँ। ये किसी अकेले का काम नहीं है, ये हम सब पूरी यूनियन का काम है। पैरामेडिकल की जो यूनियन है, अपने स्टूडेंट यूनियन है, इसका सबका काम था। स्टूडेंट यूनियन का था, उसके अलावा जो परमानेंट जो यूनियन थी उनका भी काम था। परमानेंट यूनियन के भी राजेश नागर जी भाई साहब आए हुए थे, आरपीएमसी के जो सदस्य है वो भी आए हुए थे। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि एक बार जो भी लाइव से जुड़ चुके हैं एक बार जरूर शेयर कर दें, फिर से एक बार शेयर कर दें ताकि सारे भाई आ जाएं, अपने पैरामेडिकल के जितने भाई हैं वो सब ऐड हो जाएं, सब लाइव पे जुड़ जाएं। लगभग अमूमन 500 से 600 लड़के यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे जयपुर के अंदर चिकित्सा मंत्री के आवास के आगे। तो मैं सबका फिर से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। अपना मेन जो मोटो था वो यही था कि ये जो प्राइवेट बाहर से जो डिप्लोमा करके आए हैं, डिस्टेंस वाले हैं, जिनको अपन लोगों ने जो नाम दिया है फर्जी वाले, मेन यही मुद्दा था कि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। और दोस्तों बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मैसेज है ये कि उन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मंत्री जी से, चिकित्सा मंत्री जी से उन्होंने सबको मिलने से तो मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा आप 10-11 लोगों की टीम बना लो जो आपके आपका नेतृत्व कर सके, 10-11 लोगों की टीम बना लो, वो आकर के उनसे मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए सबसे मना करने के लिए उन्होंने मना कर दिया सबसे मिलने के लिए। उन्होंने कहा आप एक टीम बना लो, 10-11 लोगों की टीम बना के आप वहाँ पे जाओ, मंत्री जी से बात करो। तो 10 लड़कों की टीम हुई, तय हुई, सबके बीच में तय हुई, तय करने के बाद में वो सब मंत्री जी के पास में गए। मंत्री जी ने, जैसे मंत्री जी को पता चला कि आरपीएमसी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के स्टूडेंट आए हुए हैं, तो उन्होंने रजिस्ट्रार साहब सोमदत्त दीक्षित जी को फोन करके वहीं पे बुला लिया। हमारे जाने से पहले ही रजिस्ट्रार सर को वहीं पे बुलाया हुआ था, रजिस्ट्रार सर वहीं थे, रजिस्ट्रार सर से भी पर्सनली कम से कम 10 मिनट तक अपनी बातचीत हुई है। उसके बाद में मंत्री जी के सामने रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि सर ये ऐसी ऐसी बात है, ये आरपीएमसी की स्टूडेंट है और जो बाहर से जो डिस्टेंस वाले थे वो रजिस्ट्रेशन के लिए आए थे, तो मंत्री जी ने साफ मना कर दिया, बोला उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है कि आज हम लोगों ने कोशिश की, 500-600 लड़के जितने भी आए सब ने कोशिश की। बहुत अच्छी बात है ये कि मंत्री जी ने साफ मना कर दिया कि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। किसने बोला कि उनका रजिस्ट्रेशन होगा? इसलिए आज ये बात ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने वाली बात है। जो भी लाइव से जुड़ रहे हैं, एक बार फिर से कहूँगा, जो भी लाइव से जुड़ रहे हैं, 70-80 लड़के जुड़े हुए हैं, प्लीज़ शेयर करें, फिर से शेयर करें एक बार ये आवाज़ अपने पैरामेडिकल स्टूडेंट के, हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के पास ये बात पहुँच जानी चाहिए। आज संख्या थोड़ी कम थी, थोड़ी निराशाजनक संख्या थी, जितनी उम्मीद थी उतनी संख्या नहीं आई। संख्या बल की बहुत ज़रूरत होती है जब ऐसे कार्य होते हैं, जब अपने हक की लड़ाई लड़ी जाती है तो संख्या बल बहुत महत्व करती है। लेकिन हम अपनी जगह एकदम सही थे, हम कोई नॉन वैलिड नहीं थे, हम वैलिड थे, इसलिए हमारी बात कम संख्या बल में भी मान ली गई। लेकिन अभी हम हार नहीं मानेंगे। अगर अपन लोगों के खिलाफ अगर कोई ऑर्डर निकलता है कोर्ट से या फिर काउंसिल से कोई ऑर्डर निकलता है, तो उसके लिए हम लोग कोर्ट में लड़ने के लिए भी तैयार हैं।
लेकिन अपने फ्यूचर के साथ, अपने भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होने देंगे, क्योंकि अपन लोगों ने कम से कम तीन तीन चार चार साल से प्रयास करके जो डिप्लोमा कंप्लीट किया है, और इन लोगों ने मेरे ख्याल से रातों रात भी ला सकते हैं बाहर से डिप्लोमा। तो अपन लोग अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दे सकते। सबसे बड़ी बात यही थी, आज का मुद्दा यही था सबसे ज़्यादा, कि इन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। तो लगभग मंत्री जी ने एकदम साफ तौर से मना कर दिया था, आश्वासन भी दिया था कि इन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। रजिस्ट्रार सर को भी बोल दिया था, रजिस्ट्रार सर को वहीं बुलाया हुआ था, रजिस्ट्रार सर से बात की, रजिस्ट्रार सर ने कहा कि मंत्री जी ने कहा रजिस्ट्रार सर को कि आरपीएमसी का जो एक्ट है, आरपीएमसी के जो रूल रेगुलेशन है, उसको क्रॉस करके किसी के भी रजिस्ट्रेशन नहीं किए जाए। जो नियमों को फॉलो करता है, रूल्स को फॉलो करता है, उसी के रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। जो भी भाई जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो शेयर कर रहे हैं उनका भी बहुत धन्यवाद। फिर से कहना चाहूँगा, फिर से शेयर करें, अपनी ये आवाज़ हर पैरामेडिकल स्टूडेंट के पास पहुँच जानी चाहिए, पैरामेडिकल फेडरेशन के पास ये न्यूज़ पहुँच जानी चाहिए। जो परमानेंट पैरामेडिकल के जो परमानेंट यूनियन संघ है, उन तक भी ये बात पहुँच जानी चाहिए, और उनको भी, वैसे हमारा उनका भी सपोर्ट था हम लोगों को, फिर से उन लोगों को सूचित किया जाता है कि वो लोग फिर से हमारे साथ रहें। अगर फ्यूचर में कुछ होता है, फ्यूचर में कुछ अगर ऐसा कोई लेटर निकलता है, तो वो हमारे साथ रहें। हो सकता है ये लड़ाई कोर्ट में भी लड़ी जा सकती है, कोर्ट में भी लड़नी पड़ सकती है हमें। अगर जो डिस्टेंस वाले हैं अगर कुछ कदम उठाते हैं, अगर गवर्नमेंट उनके अनुसार अगर कुछ नोटिस निकालती है, तो हो सकता है हमें ये लड़ाई कोर्ट से भी लड़नी पड़ सकती है। तो सभी तैयार रहें, इसीलिए आज सबसे ज़्यादा शेयर करने की बात बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है। आप जो भी लाइव से जुड़ रहे हैं, एक बार फिर से शेयर करें, हर ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह शेयर करें, ताकि ये न्यूज़ हर एक पैरामेडिकल स्टूडेंट के कानों में होनी चाहिए कि आज क्या बातचीत हुई। उसके बाद में वहाँ से हम सभी लोग आरपीएमसी आए, पैरामेडिकल काउंसिल, रजिस्ट्रार सबके सामने, रजिस्ट्रार सर बाहर आ गए थे, सबके सामने बैठ करके रजिस्ट्रार सर से वार्ता हुई। बिल्कुल शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विशाल सैनी जी, पंडित राव जी, श्रीराम जी, तरुण शर्मा जी, शेयर करें। जो भी भाई जुड़ रहा है, एक बार शेयर करें। शेयर करने में कुछ नहीं जा रहा, अगर घर बैठे हैं शेयर करना है तो कुछ नहीं जा रहा, सिर्फ एक मिनट का समय लगता है शेयर करने में। अगर आपने आज नहीं आए, तो हम आशा करते हैं कि आगे अगर फ्यूचर में हमें एकजुट होना हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग जयपुर पहुँचें। और एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों को, आप लोग जो भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से है, अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने जिला कलेक्टर को भी इसके बारे में ज्ञापन ज़रूर दें कि सर ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है, हम वैलिड हैं, नॉन वैलिड जो भी है, वो इस तरह सरकार पे दबाव बना के अपने जो पंजीयन है वो काउंसिल में करवाना चाहती है। तो हर ज़िले के अलग अलग जिला वाइज जो भी स्टूडेंट है, सब इकट्ठे होकर के अपने जिला कलेक्टर को भी इसके बारे में ज्ञापन दे। उसके बाद में आरपीएमसी गए, तो रजिस्ट्रार सर से बात हुई, अपने जो पर्सनल जो प्रॉब्लम्स थी, एग्ज़ाम वगैरह की, रिजल्ट वगैरह की, प्रैक्टिकल की, तो रजिस्ट्रार सर ने बोला जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, उनका रिजल्ट एक सप्ताह के अंदर डिक्लेयर हो जाएगा, मतलब इस मंथ के अंदर लास्ट तक डिक्लेयर हो जाएगा रिजल्ट, सबका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में एग्जाम्स के बारे में बात हुई, तो एग्जाम फॉर्म का बोला इस महीने के लास्ट तक एग्जाम फॉर्म निकल जाएंगे, और उन्होंने अक्टूबर में एग्जाम करवाने का वादा किया है, बोल रहे थे अक्टूबर लास्ट तक एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे सबके, और जल्द से जल्द प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में कोई देरी नहीं होगी, एग्जाम खत्म होने के लगभग 15 दिन के अंदर प्रैक्टिकल की डेट घोषित कर दी जाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सबसे बोल रहा हूँ, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ सबसे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी भाई शेयर करें। एग्जाम रिजल्ट्स, एग्जाम्स के बारे में रजिस्ट्रार सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जल्द से जल्द, मैं यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरे बच्चे फ्री हों,
जिनका भविष्य लगभग दो दो साल खराब हो गए, दो दो तीन तीन साल खराब हो गए, तो उनका और टाइम वेस्ट ना हो, बस यही चाहते हैं रजिस्ट्रार सर। रजिस्ट्रार सर से पर्सनली भी बात हुई 10 मिनट तक चिकित्सा मंत्री के यहाँ, तो यही बात कहा उन्होंने कि मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आप लोगों की जो समस्या है उनका निवारण हो, एग्जाम्स हो, रिजल्ट्स हो। उसके बाद में जो बैच नए वाले बैच हैं उन भाइयों का एक मुद्दा था कि फर्स्ट ईयर के अंदर ये एक भी सब्जेक्ट में बैक लग जाती है तो आप सेकंड ईयर में एग्ज़ाम नहीं दे सकते। नए बैच वाले जो भाई थे वो ऐसे बोल रहे थे कि आप लोग हमारी बात नहीं करते, सिर्फ पुराने बैच की बात करते हो। तो भाइयों ऐसी कोई बात नहीं है, यूनियन बना के रहेंगे, एकजुट रहेंगे तो ही फ़ायदा है। अलग अलग बिखरने से किसी भी यूनियन में आज तक फ़ायदा नहीं हुआ है। उनकी भी बात रजिस्ट्रार सर के सामने रखी, बाकायदा उनको रजिस्ट्रार सर को रिटर्न में लिख के दिया कि क्या समस्या आ रही है, कि जो एक फर्स्ट ईयर के अंदर अगर एक सब्जेक्ट में भी बैक लग जाती है तो आप सेकंड ईयर के एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। रजिस्ट्रार सर ने पहले तो मना किया, बोला यूनिवर्सिटी का यही नियम है। उसके बाद में रजिस्ट्रार सर से बातचीत की, सब ने उनको उनसे कहा कि सर हमारे वैसे भी दो दो तीन तीन साल खराब हो चुके हैं, अब अगर यही नियम रहेगा तो हमारे दो दो तीन तीन साल और लग जाएगा। रजिस्ट्रार सर ने रिटर्न में लिख के देने के लिए कहा, उनको रिटर्न में लिख के देने के लिए दे दिया और बोला जो भी नियम है फर्स्ट बैच के लिए सेकंड बैच के लिए जो नियम दे वही नियम लागू कर दिए जाएँ। 50% में 50% से ज़्यादा अगर बैक लगती है, 50% सब्जेक्ट से ज़्यादा, अगर मान लीजिए किसी में 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में अगर 3 सब्जेक्ट में बैक लग जाती है तो वो ईयर वो सेकंड ईयर के एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। अगर 2 सब्जेक्ट में बैक लगती है 5 में से तो वो सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दे सकता है। ऐसा कुछ अगर रूल रेगुलेशन में अगर चेंज हो सके तो ऐसा करने की कृपा करें। रजिस्ट्रार सर ने इसके लिए भी आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द काउंसलिंग के अंदर मीटिंग रखी जाएगी, डायरेक्टर सर की, रजिस्ट्रार की, एग्ज़ाम कंट्रोलर की, और यूनिवर्सिटी से भी जो है उनको बुलाया जाएगा और इस चीज़ के बारे में वार्ता की जाएगी। जल्द से जल्द इसकी मीटिंग करके आपको लगभग 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता के अंदर आपको सूचित कर दिया जाएगा। जो भी सूचना होगी इस मीटिंग का, जो भी निर्णय निकलेगा वो आप तक सूचित कर दिया जाएगा वेबसाइट के थ्रू। जी मयूर मोदी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रजिस्ट्रार सर बहुत अच्छे पर्सन हैं, बहुत ठंडे दिमाग वाले हैं, एकदम अच्छे तरीके से सबके बीच में बैठ के उन्होंने वार्ता की। ऐसी नहीं है कि 5 लड़कों को अंदर बुला के वार्ता की, सबके बीच में बोला सब आए हैं तो सबके बीच में बात करेंगे। बाहर गेट पे आ गए रजिस्ट्रार सर, सबके बीच में बैठ के सबकी बात सुनी उन्होंने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक की बात सुन रहे थे, सबकी बात सुन रहे थे। ठीक है भाइयों, फिर से मैं जो भी बाहर से आए हैं उन सभी को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं भी कम से कम 400 किलोमीटर से चल के आया हूँ तो मुझे पता है कि दूर से आते हैं तो कितनी परेशानी होती है, लेकिन फिर भी अगर बात फ्यूचर की हो तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर आना चाहिए, चाहे 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर नहीं, अगर 1000 किलोमीटर से भी आना पड़े तो आना चाहिए। दोस्तों मैं फिर से कहूँगा, इस लाइव को एक बार ज़रूर शेयर कर दें ताकि हर स्टूडेंट के कानों तक ये बात पहुंच जाए कि अपना भविष्य फिर भी अंधकार में आ सकता है। ऐसी बात नहीं है, डिस्टेंस वाले जो प्राइवेट वोट फेडरेशन वाले हैं वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। उन गवर्नमेंट उनका क्या करे अपने, उनसे कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट उनका कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाए, क्या करवाए, उनसे अपने कोई मतलब नहीं है। अपनी काउंसलिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, आरपीएमसी के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। अपना मेन मुद्दा यही था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद जो भी आए उनका, बहुत बहुत धन्यवाद।